इसे हटा लेते हैं। ये देखिए इसकी एक बैटरी लगी हुई दिख जाती है जो कि पॉली लिथियम आयन बैटरी है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक अलग से वायर निकला हुआ है जो कि FM रेडियो का। और यहाँ तो भाई एक बार फिर से आपका डियर यश पांडे YouTube चैनल पे बेहतरीन स्वागत है। हम एक बहुत ही ज्यादा सस्ता स्पीकर की अनबॉक्सिंग लेके आए हैं। ये लोकल मार्केट में बहुत ज्यादा फेमस है, ऑनलाइन में तो इतना फेमस नहीं है, लेकिन लोकल मार्केट में हर दूसरे आदमी के पास आपको ये वाला स्पीकर दिखता होगा। और आप हैरान हो जाएंगे, इसका रेट बहुत ही ज्यादा कम है। मतलब 250 रुपए, 230 रुपए का लोकल मार्केट में मिल जाएगा, 250 रुपए में ऑनलाइन में मिल जाएगा। मॉडल नंबर है WS887। इसमें बहुत सारे फीचर है, USB पेन ड्राइव वगैरह ये आप देख सकते हैं। साइड देखिए बहुत सारे कलर ऑप्शन में आपको ये मिल जाता है। फोन उठा भी सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक इनबिल्ट माइक लगा हुआ है। चलिए इसे खोल लेते हैं जल्दी से। इसमें आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है USB टू माइक्रो USB के साथ, एक ऑक्स केबल मिल जाती है 3.5 mm जैक टू 3.5 mm जैक के अलावा इसमें एक स्पीकर रखा दिख जाता है। और ये बॉक्स खाली है तो स्पीकर काफी ज्यादा शाइनी है और ये पूरा मेटल का बना हुआ है। अरे वाह, ये तो फील काफी ज्यादा अच्छी आ रही है इसको पकड़ के। प्रीमियम क्वालिटी लग रही है क्योंकि ये पूरा मेटल का बना हुआ है। साइड ये प्लास्टिक है पर ये मेटल है, देखिए आवाज में कितना डिफरेंट है। साइड आप जैसा देख पा रहे हैं पूरी की पूरी मेटल की ग्रिल लगी हुई है, हैंगिंग भी है कि चाहे तो आप इसे इस तरह टांग सकते हैं। देखिए ऑक्स, इधर पेन ड्राइव लग जाती है और यहाँ पे देखिए TF मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और इधर देखिए माइक का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से चार्ज हो जाएगा। ये देखिए नीचे से ऑन ऑफ होता है, करके देखते हैं किस तरह है ऑन होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट जल रही है। The Bluetooth device is ready to pair. ये स्पीकर की आवाज तो मेरे को सही लग रही है, जिस हिसाब से इसका रेट है उस ये देखिए मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ। यहाँ देखिए यहाँ तक कितनी अच्छी आवाज आ रही है। धमक तक, बीट तक पता चल रही है। नेक्स्ट गाना बजा दिया है। ये स्पीकर की आवाज तो मेरे को सही लग रही है, जिस हिसाब से इसका रेट है उस हिसाब से तो इसकी आवाज काफी ज्यादा लाउड है और इसमें बेस भी सुनाई देता है। लेकिन फुल करने पे वॉल्यूम हल्की सी डिस्टॉर्ट होती है, मतलब हल्की सी फटती है। 80% तक में बहुत ही बढ़िया बेस और साउंड सुनाई देगा। चलिए मोड के बटन दबा के देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन में मिल जाते हैं। लाइन इन यानी कि ये वाली ऑक्स केबल से अब ये बजेगा। आप इसको सिंपली इस तरह से ऑक्स में लगा के अपने मोबाइल में लगा के बजा सकते हैं। हाँ तो भाई साउंड टेस्ट बेस टेस्ट बहुत हो गया, अब चलिए जल्दी से कर लेते हैं व्हाट इज इनसाइड। वर्ड पैडिंग लगी हुई है जिसकी वजह से धमाका आया तो हिलेगा नहीं है। अब देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पे एक पेच है और यही सेम पेच एक इस तरफ भी है। जैसा आप देख पा रहे हैं हमने तीनों पेज निकाल लिए, इसे जल्दी से हटा लेते हैं। ये देखिए इसका यहाँ पे ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। और तो आप दिए देखिए, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे छोटा सा बेस रेडिएटर भी लगा हुआ दिख जाता है जो इसके बेस एनहेंस करने के काम करता है, क्योंकि काफी ज्यादा कमाल की बात है इतने कम रेट पे। चलिए इसको भी खोल लेते हैं। तो आप ये देखिए इसका ये भी बाहर आ चुका है और इसका ये भी स्पीकर बाहर आ चुका है। ये है इसका स्पीकर जो कि 5 वॉट का है। देखिए इसकी एक बैटरी लगी हुई दिख जाती है जो कि पॉली लिथियम आयन बैटरी है। छोटा सा बेस रेडिएटर भी लगा हुआ दिख जाता है जो कि काफी कमाल की बात है। आप देख सकते हैं यहाँ से एक अलग से वायर निकला हुआ है जो कि FM रेडियो का। और यहाँ
ये देखिए, ये इसका चार्जिंग जैक है, यहाँ से आप वही लाइन वाली ऑक्स केबल लगा सकते हैं, और ये इसका मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट है। देखिए इसकी आईसी ब्लूटूथ मॉड्यूल वगैरह इधर लगी हुई है। मेरे हिसाब से इसका सर्किट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप चाहें तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। हाँ तो चलिए इसे चालू करके देखते हैं ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे एलईडी इसकी यहाँ पे लगी हुई दिख, ये देखिए चालू हो गया है। अब चलिए एक आध गाना ऐसे बजा के देखते हैं, मज़ा आएगा। हाँ तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।